आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 17,277 पहुंच गया है, वहीं 228 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 17,277, स्वस्थ 11,775, एक्टिव 5,215, मौतें 228। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में एक्टिव केसेस की बात करें तो देहरादून 1,040, नैनीताल 708, टिहरी गढ़वाल 235, हरिद्वार 1,178, ऊधम सिंह नगर 1,322, पौड़ी गढ़वाल 122, अल्मोड़ा 81, बागेश्वर 55, चमोली 77, पिथौरागढ़ 62, रुद्रप्रयाग 55, उत्तरकाशी 217, चंपावत 63। देहरादून में डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर कोरोना पॉजिटिव मिले, 7 दिन के लिए कॉलेज बंद। शिक्षक की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद डीएवी कॉलेज को 28 अगस्त से 3 सितंबर तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान यहां सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। वहीं अल्मोड़ा में महिला अस्पताल में 3 कर्मचारी कोरोना संक्रमित, 2 दिन के लिए ओपीडी बंद। उत्तराखंड में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और इसकी चपेट में स्वास्थ्य कर्मी आ रहे हैं। ताजा मामला अल्मोड़ा के महिला जिला अस्पताल का है, जहां 3 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं रामनगर में पत्नी की हत्या के बाद से फरार चल रहा पति गिरफ्तार। पत्नी को जान से मारने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी पति को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम गुड्डू है, जो बीते हफ्ते से फरार चल रहा था। वहीं हरिद्वार के डीएम बोले, अतिक्रमण है जल भराव की मुख्य वजह, जल्द शुरू होगी कार्रवाई। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों बारिश का दौर चल रहा है, ऐसे में सड़कों पर जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन का मानना है कि सड़कों पर काफी अतिक्रमण है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति बन रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जल्द ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस इन उत्तराखंड, बाहरी राज्यों से आवाजाही की व्यवस्था में बदलाव के पक्ष में नहीं सरकार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार अभी बाहरी राज्यों से आवाजाही की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव करने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कोविड-19 के दौर में प्रदेश सरकार की अपनी क्षमताएं हैं, इलाज के लिए अस्पतालों की सीमित संख्या है। आवाजाही के लिए राज्य के बॉर्डर पूरी तरह से खुलने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र पर उन्होंने कहा कि इस बारे में मंत्रालय से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर दिन बाहर से आने वालों की संख्या औसतन 27,000 है, किसी दिन 32,000 लोग भी राज्य में आ रहे हैं। चार धाम यात्रा 2020, बद्रीनाथ हाईवे, पुरसाड़ी और क्षेत्रपाल में बंद, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा मार्ग सुचारू। बद्रीनाथ को छोड़कर बाकी 3 धामों की यात्रा सुचारू है। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे पर यातायात सुचारू है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे, पुसाड़ी और क्षेत्रपाल में अवरुद्ध है, मार्ग खोलने के प्रयास जारी हैं। बृहस्पतिवार को ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे नरकोटा के पास पहाड़ी से भारी मलबा गिरने के कारण 8 घंटे तक बंद रहा। वहीं गौरीकुंड हाईवे बांसवाड़ा में भूस्खलन के कारण 4 घंटे अवरुद्ध रहा, जिस कारण लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतें हुई। दूसरी ओर कालीमठ घाटी के 10 ग्राम पंचायतों समेत जिले के अन्य 30 से अधिक गाँव का ब्लॉक व जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। पीएम मोदी को लेकर एक बयान से विवादों में आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, वायरल हुआ वीडियो। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत अपने एक बयान को लेकर सियासी विवादों में आ गए हैं। भगत ने एक टीवी चैनल को बयान दिया कि मोदी लहर के सहारे अब किसी की नैया पार नहीं होगी, विधायकों को खुद मेहनत करनी होगी, क्षेत्र में जाकर काम करना होगा। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कांग्रेस ने इस बहाने निशाने साधने शुरू कर दिए। भगत के बयान को लेकर सियासी रंग चढ़ा तो पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष के बयान को स्पष्ट करना पड़ा। उन्होंने पीएम मोदी को विश्व का महानतम नेता बताया और कहा कि पार्टी उनके आशीर्वाद से राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। उत्तराखंड में अमेरिकी पर्यटक का हुआ निधन, हिंदी रीति रिवाज से हुई अंत्येष्टि। पिछले 5 साल से कौसानी में रह रहे अमेरिकी मूल के सैलानी रॉबर्ट इकॉक्स का कौसानी के अनामय आश्रम में निधन हो गया। बृहस्पतिवार को बागेश्वर के सरयू और गोमती के संगम पर हिंदू रीति के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं चमोली में एसएसबी के 50 जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। थराली विकासखंड के ग्वालदम के अंतर्गत आने वाले सशस्त्र सीमा संगठन ट्रेनिंग सेंटर में 50 जवान कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जवानों के कोरोना पॉजिटिव की खबर से ग्वालदम सहित पूरी पिंडर घाटी में हड़कंप मच गया है। फिलहाल सभी संक्रमितों जवानों को एसएसबी में क्वारंटीन किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। सचिवालय में फिर अधिकारी कर्मचारी आमने सामने, तबादले के मामले में दी आंदोलन की चेतावनी। सचिवालय संघ ने कर्मचारियों के ट्रांसफर के मामले में आंदोलन की चेतावनी दी है। सचिवालय संघ का कहना है कि तानाशाह अधिकारी बेवजह ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। वहीं रामनगर में सीएमओ के निरीक्षण में अस्पताल के नाश्ते में मिले कीड़े। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संयुक्त अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रकार की
अव्यवस्थाएं मिली। मरीजों को दिए जाने वाले दलिया में कीड़े मिले, इसके लिए उन्होंने ठेकेदार को नोटिस देने की बात कही है। वहीं नैनीताल में सितंबर से शुरू होगी वेब फिल्म की गदेरा की शूटिंग, ऑडिशन शुरू। सितंबर माह से कुमाऊं के इतिहास को लेकर वेब फिल्म बनने जा रही है, जिसे कुमाऊं की हसीन वादियों को दर्शाया जाएगा। इसको लेकर फिल्म के निर्देशक के द्वारा ऑडिशन शुरू कर दिए गए हैं और कुमाऊं का लगातार भ्रमण किया जा रहा है। मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव में पंच आरती का है विशेष महत्व। नैनीताल में होने वाले मां नंदा देवी महोत्सव में मां की पंच आरती का विशेष महत्व है, जिसमें शामिल होने के हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते ये संभव नहीं है। वहीं श्रीनगर में तेजी से पैर पसारा कोरोना, व्यापारियों ने लिया ये फैसला। प्रदेश में कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं श्रीनगर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापारियों ने 3 दिन तक बाजार बंद रखने की घोषणा की है। वहीं रामनगर में पतंग के मांझे से बाइक सवार जख्मी, टली बड़ी दुर्घटना। रामनगर के नए बाईपास पुल के पास कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तभी एक बाइक सवार मंजे की चपेट में आकर जख्मी हो गया। वहीं श्रीनगर NIT ने किए कई संस्थानों के साथ MOU, छात्रों को मिलेगा लाभ। बीते 10 वर्ष से अस्थायी परिसर में संचालित हो रहा NIT संस्थान लगातार देश के प्रसिद्ध संस्थानों के साथ MOU कर रहा है। वहीं ये MOU होने से छात्रों को प्लेसमेंट और प्रशिक्षण में सुविधा मिलेगी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बयान, कहा आरोप साबित करे तो दूंगा इस्तीफा। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज भूमि पर हो रहे खनन को लेकर कांग्रेस ने वन मंत्री हरक सिंह रावत पर आरोप लगाया है कि उनके संरक्षण में खनन हो रहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि आरोप साबित कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, किया गया सील। उत्तराखंड में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। धीरे धीरे अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बीते दिन उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। गुरुवार को उत्तराखंड में कोरोना स्पोर्ट हुआ। कुल 700 से अधिक मामले उत्तराखंड में आए। सबसे बुरा हाल उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून का है। वहीं बड़ी खबर उधम सिंह नगर के गदरपुर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आज अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया है। गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 कर्मचारी कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए हैं, जिनको उपचार के लिए भेजा गया व अन्य लोगों को डॉक्टर व स्टाफ की सैंपलिंग की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अग्रिम आदेश तक मरीजों के लिए अस्पताल परिसर को बंद किया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश में स्मैक की लत ने बनाया झपटमार, 24 घंटे के अंदर 3 आरोपी गिरफ्तार। तेजी से बाइक चलाकर मोबाइल छीनने वाले 3 शातिर आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। ऋषिकेश पुलिस की सतर्कता से 3 आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हुए। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए और साथ ही आरोपियों की बाइक सीज की। बताया गया है कि 3 में 1 आरोपी हिमांशु पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत जेल जा चुका है। जानकारी मिली है कि तीनों नशे के आदी हैं और नशे की लत के चलते उन्होंने ये काम शुरू किया। वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर, मसूरी के लिए बनेगी नई रोड, इन जगहों से होकर जाएगी सड़क। मसूरी में पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों का भारी जमावड़ा लगता है। इस दौरान देहरादून से मसूरी के बीच कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। बरसात के मौसम में मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो रहा है। लगातार बढ़ती समस्या को देखते हुए अब मसूरी के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मसूरी जाने के लिए मार्ग का प्रस्तावित रूट भी तय कर लिया गया है। इस प्लान के अनुसार नंदा की चौकी डूंगा होते हुए मसूरी के लिए नई सड़क बनाई जाएगी। सहसपुर विधायक सहदेव पुनीर, DM डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव की मौजूदगी में PWD, वन विभाग, NHAI के अधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है। देहरादून DM ने कहा कि मसूरी के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग बनाया जाना जरूरी है। ऐसे में नंदा की चौकी डूंगा होते हुए सड़क का प्रस्ताव तैयार किया जाए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बोले, अब मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं, समान नागरिकता कानून लाए सरकार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि देश में समान नागरिकता कानून लागू करना जरूरी है। 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करने वालों को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है। उन्होंने प्रयागराज में एक महिला के हिंदू देवी देवताओं पर की गई टिप्पणी को असहनीय बताया है। श्री महंत नरेंद्र गिरी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर समान नागरिकता लागू करने का अनुरोध किया है। पंतनगर विश्वविद्यालय 21 सितंबर से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, एडमिशन के लिए आखिरी मौका।
गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर का नया शैक्षणिक सत्र भी 21 सितंबर से शुरू होगा। वहीं ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में इस बार एडमिशन मार्कशीट और मेरिट के आधार पर होगा। इसके साथ ही एमएससी और पीएचडी में दाखिला लेने वाले छात्र छात्रों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ये सभी जानकारी पंतनगर विवि के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप ने दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय पहुंचे धन सिंह रावत, अधिकारियों के साथ की बैठक। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शुक्रवार को हल्द्वानी के उच्च शिक्षा निदेशालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए चर्चा की। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री सहित कई कुलपति, महाविद्यालयों के प्रतिनिधि और शासन स्तर के सदस्य शामिल होंगे।